अस्सलाम वालेकुम, आज मैं हूँ रज़ा डेरीज पे। मुझे 100 लीटर जो है वो दूध चाहिए था, तो यहाँ पे जो है आपको इजीली जो है इतनी क्वांटिटी जो है वो इजीली जो है डेली मिल जाती है। और इनके जो दूध का टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलियन काउज रखी हुई हैं और ऑटोमेटिक मशीनों के ज़रिए जो है ये हमें दूध प्रोवाइड करते हैं। चले आपको जो है मैं विज़िट करवाता हूँ अंदर भी जाके। ये इनका सेटअप है, यहाँ पे जो है इन्होंने काउस को जो है वो ठंडा रखने के लिए ऊपर पानी का सिस्टम जो है शावर लगाए हुए हैं यहाँ पे। और ये सामने अगर आप देखें तो ये जो ब्लू कलर के जो नज़र आ रहे हैं आप, आपको पाइप हैं ये, जहाँ से जो है वो मशीनों के जरिए जो है ये दूध निकालते हैं। और आगे जो है ये कंटेनर के अंदर जा रहे हैं यहाँ से, आगे मैं लेके चलूँ आपको। ये देखें आप, सारा जो है इनका प्रॉपर जो है फार्म है, और तकरीबन जो है 2000 से ज़्यादा इनके पास में जो है ऑस्ट्रेलिया की काउस हैं। ये देखें वो एंड तक जो है ये इनका पूरा फार्म है, और सारी काउस जो है ये इनकी ऑस्ट्रेलिया की हैं, सारी जो है लाइन में लगी हुई हैं। मेरे एक दोस्त हैं, मैं यहाँ पे ना आ रहा था तकरीबन जो है पहले रमज़ान से ही, 100 किलो जो है यहाँ से दूध लेके जाते हैं और वहाँ पे जो है गरीबों में जो है तकसीम करते हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं, उनको पता चला था यार कि जो है मैं यहाँ पे आता हूँ, तो वो कह रहे थे यार आप जाते हो तो ज़रा काइंडली जो है वो वीडियो बना के मुझे दिखाएं। मैंने कहा चले बनाते हैं आपके लिए एक वीडियो। ये देखें जी, इनका जो है प्रॉपर सेटअप है, यहाँ पर जो है मशीनों के जरिए जो है ये दूध निकालते हैं। सफाई का जो है माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी यहाँ पर ख्याल रखा हुआ है, उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। मैं जो है 20 दिन हो गया आज पर्सनली इसको यूज़ भी कर रहा हूँ, ठीक है जी, तो कोई कंप्लेन नहीं है दूध के अंदर, बड़ा अच्छा दूध है जी। यहाँ पे जो है एक कंटेनर लगा हुआ है दूध का, ठीक है जी, इसके ऊपर लिखा है मिल्क फॉर प्रोसेसिंग नॉट फॉर सेल, ठीक है। यहाँ से जो है बकायदा कंटेनर के कंटेनर जाते हैं, क्योंकि 2000 गायें कम नहीं हैं, एक गाय अगर 30 लीटर भी देना काफ़ी ज़्यादा दूध बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना इन्होंने चिलर रखा हुआ है, ये इटाली का चिलर है। तो वैसे तो जो है जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको तो फ्रेश दूध मिल जाता है यहाँ से, बाकी जो है यहाँ पे सेव कर लेते हैं, वो फिर कंटेनर आते हैं वो ले जाते हैं यहाँ से आके। ये पीछे जो है ना ये आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का पाइप डायरेक्ट आ रहा है पीछे से ना, फ्रेश मिल्क जो है आ रहा है। ये मैं अपनी कैनन लेके आया था, और जैसे ये रिफिल होती हैं तो मैं उनको ले कर जाता हूँ, शाम को जो है इसको जो है वो तकसीम कर देना है। अच्छा, नॉर्मली जो है अगर हम बाहर से दूध परचेज करते हैं ना, वो इस टाइम जो है ऑस्ट्रेलियन काउज का ना अनहार के नाम से कंपनी है वो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन वो हमें मिलता है 190 रुपीज़ पर लीटर। लेकिन यहाँ पे जो है सेम जो है दूध, फ्रेश दूध जो है आपको मिल जाएगा 110, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे फ़ायदा है, और ऊपर से फ्रेश है जी। मेरी कैन रिफ्यूज़ हो गई हैं, और मैं जो है गाड़ी में रखे निकल रहा हूँ, फिर जो है शाम को जो है बांटते हैं जी। ये मेरा गेट पास बन गया 100 लीटर का, तो मैं जो है इनको दे के यहाँ से एग्जिट ले लूँगा। ये ना भाई,